राजनांदगांव में मवेशी राज। राजनांदगांव में मवेशियों के आतंक से त्रस्त है जनता, सड़कों व गलियों पर है मवेशियों का राज। मवेशी अब आम लोगों पर करने लगे हैं हमला। छात्रावास है यहाँ पे। ये हैं अम्मा जी जिनको एक मवेशी ने ऐसा पटका कि हाथ में प्लास्टर बनवाना पड़ गया। रुकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। देखिए गाय, देखिए ये देखिए, ये मालरनी का मकान है। नगर निगम ने मवेशियों को पकड़ने के लिए कहने को तो काउ कैचर दस्ता बनाया है, लेकिन ये दस्ता कहाँ कार्रवाई करता है और कब कार्रवाई करता है इसका कोई हिसाब किताब नहीं। के लोगों ने निगम आयुक्त से मुलाकात की, उन्हें समस्याएं बताई, लेकिन कार्रवाई है कि हो नहीं रही और चल रहा है केवल मवेशी राज। पेश है हमारे राजनांदगांव ब्यूरो चीफ गणेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 1:30 बजे तक बच्चे आते हैं नीरज पब्लिक से, हमारे पोती और पोता बहुत सड़क में खड़ी है कि बच्चों को मतलब मार मत लगे, पूरी लाइन से कही खड़ी है, जब वो डंडा लेके बहुत गई है, कटाई है, सब हमारे बच्चे निकले थे। और आज जब देखा कि सब बैठे हैं, 2 बजे के पहले पहले उनके सब जानवर अंदर कर गए। लाला यादव बोलते हैं सर, गली नंबर 2 शिव मालानी के घर के बाजू में। अच्छा, वो मालानी के घर के बाजू में अपना जगह भी है क्या? गोकुल नगर का अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट है, वो जगह किराए में दिया है किसी को। गली नंबर 2 क्या मंदिर मालानी के बाजू में, मालानी की बिल्डिंग शिव मालानी के घर के बाजू में, वो हॉस्टल है सर, सरकारी नर्सिंग हॉस्टल है सर, गवर्नमेंट का वहां। वहाँ पे आप मंच बनवा रहे हैं, वहाँ रोड वैसी तकलीफ मेन रोड से जो आदमी इधर से निकलता है ना तो एक्सीडेंट, वहाँ एक मंच और बना रहे हैं सर अभी उसको सर, और उस मंच पे सर बैठ के और कुछ नहीं होना सर, सब लोग लफारी लोग करते हैं बैठ के, अभी काम चालू है, आज ही काम चालू हुआ सर। हम अपने जानवरों से दुखी सर, बाकी और किसी से मोहल्ले में टेंशन नहीं है, सुबह से उठते डंडा लेके खड़े हो जाते हैं। विनय मिल चाल वो नहीं उधर सर पांडे का वो भी एक था, वो भी इसी का अंडर है, उसकी भी कंप्लेंट हुई थी, उन्होंने एफिडेविट दिया है, पहले तो आवेदन में दे रखे थे कि भाई मैंने कहा आवेदन नहीं मांगूंगा, शपथ पत्र दो, शपथ पत्र में दे रखा है कि 3 माह के अंदर वो पूरे समेट के ले जाएंगे। सर हमने इसका वीडियो बनाया है, इसको दिखाएंगे, 55 जानवर गाय सब उसके पास, सबसे पहले जानवरों से मुक्ति दिला, हमारे बच्चे निकल नहीं पाए, पहले भी है, मतलब सबसे ज्यादा अभी आप चलेंगे 30-40 देखेंगे तब समझ में आएगा। ये बंदबा करने पर माइक ले रहे माइक पकड़ के लीजिए ना सर, माइक पकड़ के बात कीजिए ना, माइक ऊपर लीजिए, माइक पकड़ के बात कीजिए। ये मतलब गली नंबर 2 शिव मालानी का जो बड़ी बिल्डिंग है टावर वाला जी, उसके बाजू में लाला यादव का मकान। सुबह सारी गैया मलानी के घर के सामने खड़े हो जाती है और उसके घर के अंदर घुस जाती है, छात्रावास है, बच्चे हॉस्टल के अंदर घुस जाती है और वहाँ से वो पूरा गोबर खाने का खेलते हैं। 60-70 लड़कियाँ हैं, 80 लड़कियों का गवर्नमेंट अप्लाई करता है, कोई घटना उनके साथ हो जाए उनको भी मार दे। 80 गाय है और वो दरवाजे के सामने खड़े हो जाती है, बच्चे निकल नहीं सकते लड़कियाँ स्कूल जाने के लिए। इसका बिल्डिंग भी पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर, अरे बिल्डिंग से नहीं अपने को जानवर से, और सरकारी जमीन पे इतना गोबर का ढेर पड़ा है, अगर नाले के ऊपर दिमाग उठा देंगे ना, गोबर रोड पे गोबर ही गोबर पड़ा है तो
सरकारी पूरी गोबर भरा तो खाली गली पाली में डाल देता है वहीं सरकारी है मेरे लाखों के यहां कार्यालय है वहां गोबर डाल गोबर का ढेर पड़ा रेसिडेंशियल कॉलोनी में तो डेयरी अलाउड ही नहीं है आपको गोकुल नगर में जगह दिए हो वहां जाना चाहिए सर सबके बाइक क्या सर बाहर है जो टू व्हीलर सुबह उठ के देखते पूरी गाड़ियां गिरी हुई वो छोड़ देता हूं सर रात भर छोड़ देता अभी आप जाएंगे सब मिल जाएगा अभी देखेंगे अभी दिख जाएगा फिर निकाल देता है शाम को बाहर चलो दो चार सर आपको चोट लगी थोड़ा दिखाई दूसरी समस्या सर वहाँ खुद तो अब डर लगता है भैया किसी के